हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सब बात करेंगे कि किस रैंक पर, किस कैटेगरी पर कौन सी एनआईटी मिलेगी, कौन सी ट्रिपल आईटी मिलेगी और कौन सी जीएफटीआई मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट्स की। तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक अंडर 5000 है, उन स्टूडेंट्स को टॉप की 5 एनआईटी में टॉप की ब्रांचेस मिलेगी। अब देखो टॉप ब्रांचेस कौन सी होगी, सीएसई, आईटी और ईसी। इन ब्रांचेस को मैं टॉप ब्रांचेस बोलूंगा। टॉप की 5 एनआईटी कौन सी है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी राउरकेला। इन 5 एनआईटीज को मैं टॉप की 5 एनआईटीज बोलूंगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक अंडर 5000 है, उन स्टूडेंट्स को इन 5 एनआईटी में टॉप ब्रांच मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। बाद में बात करते हैं 5000 से 10000 की। जिन स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 5000 से 10000 है, उन स्टूडेंट्स को टॉप की 5 एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिल सकती है। कोर ब्रांचेस मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन ब्रांचेस को मैं कोर ब्रांचेस बोलूंगा। और इनको 5 से 15 जो एनआईटीज है उनके अंदर टॉप ब्रांचेस मिल सकती है। 5 से 15 एनआईटीज में कौन कौन सी एनआईटी आएगी, एनआईटी जयपुर, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी नागपुर, एनआईटी सूरत, एनआईटी भोपाल, ये सारी एनआईटीज 5 से 15 वाली कैटेगरी में आएगी। तो बात करते हैं 10000 से लेकर 20000 तक। जिन स्टूडेंट्स की रैंक ऑल इंडिया रैंक 10000 से लेकर 20000 तक है, उनको 5 से लेकर 15 एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांच मिल सकती है। और जो 15 से 20 एनआईटीज है उनके अंदर इनको अच्छी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। 15 से 20 एनआईटी में कौन कौन सी एनआईटी आएगी, एनआईटी हमीरपुर, दुर्गापुर, पटना, सिलीचर, अगरतला, श्रीनगर, इनमें इनको टॉप ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं हम 20000 से लेकर 35000 तक। तो ये देखो काफी वाइड रेंज आ जाती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को टॉप की 5 एनआईटी में लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। लोअर ब्रांच मतलब सिरामिक, माइनिंग, मेटलर्जी, केमिकल, इस टाइप की ब्रांचेस लोअर ब्रांच की कैटेगरी में आएगी। तो इनको टॉप की 5 एनआईटीज में लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे 20000 से लेकर 35000 तक। तो 20000 से 35000 तक काफी वाइड रेंज आ जाएगी। इन स्टूडेंट्स को 5 से 15 एनआईटी के अंदर, मतलब 5th रैंक से 15th रैंक की एनआईटी के अंदर लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। लोअर ब्रांच मतलब सिरामिक, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, इस टाइप के ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं इनको 15 से 20 एनआईटी के अंदर, मतलब 15th रैंक से 20th रैंक की एनआईटी के अंदर कोर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं 20 से 31 रैंक तक इनको टॉप ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहां पर स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी की तरफ भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल आईटी में भी 3 ही ब्रांचेस है, सीएसई, आईटी और किसी किसी ट्रिपल आईटी में ईसी। तो जो 20000 से 35000 के स्टूडेंट्स है वो ट्रिपल आईटीज की तरफ भी फोकस कर लेते हैं। ट्रिपल आईटीज में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल, इस टाइप के ट्रिपल आईटीज में लोग प्रेफर करते हैं जाना। उसके बाद बात करते हैं हम 35000 से लेकर 60000 तक। जिस स्टूडेंट की जनरल कैटेगरी रैंक 35000 से 60000 है, उसको जो 20 से लेकर 31 एनआईटीज है उसके अंदर लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जीएफटीआई के अंदर इनको कोर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब जीएफटीआई कौन कौन से कॉलेजेस है, आसाम यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल और संत लोंगवाल कॉलेज, इन कॉलेजेस में इनको कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं इनको ट्रिपल आईटीज के अंदर अच्छी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। और यहां पर स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्हें एनआईटीज में काफी लोअर ब्रांच मिल रही होती है, इसीलिए ये प्राइवेट कॉलेज में इनको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। फॉर एग्जांपल बिटमरसा, पैक चंडीगढ़, इन कॉलेजेस में भी इनको कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 60000 से ऊपर है, मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि वो यहां तो आपके स्टेट में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अच्छी ब्रांच लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं, मैं जनरल कैटेगरी रैंक की बात नहीं करूंगा। जिन स्टूडेंट्स की ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक अंडर 500 है, उन्हें टॉप 5 एनआईटी में टॉप की ब्रांच मिल जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट जिनकी रैंक 500 से 1500 के बीच में, उन्हें टॉप एनआईटीज में कोर ब्रांच मिल जाएगी। उसके बाद 5 से 15 एनआईटीज है वहां पर इनको टॉप ब्रांच मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स की रैंक 1500 से लेकर 3000 के बीच में है, उन स्टूडेंट्स को टॉप एनआईटीज में लोअर ब्रांच मिल जाएगी। और एनआईटी 10 से लेकर एनआईटी 25 तक इनको कोर ब्रांच मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 3000 से लेकर 5000 तक है, उन स्टूडेंट्स को 15 से लेकर 31 तक की एनआईटीज में कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है।
वही नई ट्रिपल आईटीज में भी इनको अच्छी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 5000 से लेकर 9000 के बीच में उन्हें टॉप ब्रांच मिल जाएगी जीएफटीआई के अंदर, वही 15 से 31 एनआईटीज के अंदर इनको लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये स्टेट्स लास्ट ईयर की जोसा काउंसिलिंग की रैंकिंग के स्टेट्स हैं। तो इस साल देखो रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 10% कर दिया है, तो आपको इन रैंक्स में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जहां मैंने आपको 500 तक बताया है, हो सकता है इस बार 600-700 तक चला जाए। जहां मैंने आपको 1500 तक बताया है, हो सकता है इस बार 1800-2000 तक चला जाए। तो थोड़ा सा जो है आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक अंडर 1000 है, उन स्टूडेंट्स को टॉप 5 एनआईटी में टॉप ब्रांच मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं जिन स्टूडेंट्स की रैंक 1000 से लेकर 4000 के बीच में, उन्हें टॉप 5 एनआईटीज में लोअर ब्रांच प्लस 5 से 15 एनआईटीज में कोर ब्रांच मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 4000 से लेकर 8000 के बीच में, उन स्टूडेंट्स को 15 से लेकर 25 एनआईटी के अंदर कोर ब्रांच मिल जाएगी। वहीं जो ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआईज है, यहां पर इनको अच्छी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं बात करें 8000 से लेकर 15000 जिन स्टूडेंट्स की रैंक है, ओबीसी कैटेगरी की रैंक बात कर रहा हूं मैं यहां पे, उन्हें 25 से लेकर जो 31 तक की एनआईटीज है वहां पर उनको कोर ब्रांच मिल जाएगी। वहीं न्यू ट्रिपल आईटीज जैसे ट्रिपल आईटी सूरत, भोपाल, रांची, सोनीपत, कल्याणी, इन ट्रिपल आईटीज में इनको कोई ना कोई सी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जीएफटीआई में भी इनको कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं 15000 से लेकर 22000 तक, तो इन स्टूडेंट्स को जीएफटीआई प्लस लोअर एनआईटीज के अंदर लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स की। तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जिनकी कैटेगरी रैंक पे मैं बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक पे बात नहीं कर रहा, तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक अंडर 500 है, उन्हें टॉप की 5 एनआईटीज में टॉप की ब्रांचेस मिल जाएगी। वहीं जिन स्टूडेंट्स की रैंक 5000 से लेकर 2000 के बीच में है, उन्हें टॉप 5 एनआईटी में कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है और 5 से लेकर 15 एनआईटीज के अंदर टॉप ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 2000 से लेकर 5000 तक है, उन स्टूडेंट्स को टॉप की एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांच तो नहीं मिल सकती, बट जो टॉप की 10 से 20 एनआईटीज है वहां पर लोअर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है और 20 से 25 एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 5000 से 9000 तक है, उन स्टूडेंट्स को जीएफटीआई और जो नई ट्रिपल आईटीज बनी है वहां पर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो पहुंचे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी। तो जिन स्टूडेंट्स की एसटी कैटेगरी की रैंक अंडर 200 है, उन्हें टॉप 5 एनआईटीज के अंदर टॉप ब्रांच मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं बात करें जिन स्टूडेंट्स की रैंक 200 से 500 के बीच में, उन्हें टॉप 5 एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांच प्लस 5 से 15 एनआईटीज के अंदर टॉप ब्रांच मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं बात करें जिन स्टूडेंट्स की रैंक 500 से लेकर 1000 है, उन स्टूडेंट्स को टॉप 10 से 15 एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांच मिल जाएगी, उन्हें ट्रिपल आईटीज में भी सीट मिल सकती है और जीएफटीआई में भी टॉप की ब्रांचेस मिल सकती है। वहीं बात करें 1000 रैंक से 3000 रैंक तक, तो इन स्टूडेंट्स को 15 से लेकर 25 एनआईटीज तक कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं 25 से लेकर 31 एनआईटीज तक इन्हें टॉप ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है, इन्हें ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में भी कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जिन स्टूडेंट्स की रैंक 3000 से 7000 के बीच में, उन्हें एनआईटी मिलना तो काफी मुश्किल रहेगा, एनआईटीज के अंदर लोअर ब्रांच मिल सकती है, साथ ही जो जीएफटीआईज है वहां पर इनको कॉलेज मिल सकती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि यार अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, ताकि हम आप उस पे वीडियो जल्दी से बना पाए। थैंक यू।